नमस्कार, परमानंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आयुर्वेद में तीन दोष होते हैं, यानी तीन दोष माने जाते हैं जिसके बेस पे ही हम रोगों को निर्धारित करते हैं कि आपको कौन सा रोग हुआ है। जैसे आयुर्वेद में तीन दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक दोष इम्बैलेंस हो जाए या फिर उसका संतुलन बिगड़ जाए तो आपको कुछ परेशानियाँ होने लग जाती हैं। लेकिन इन तीनों दोषों में से कोई ऐसा कौन सा दोष है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो दो और दोष हैं वो भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही दोष के बारे में जिसे वात दोष कहा जाता है। अगर आप वात दोष के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसकी पूरी डिटेल दी गई है और इसके क्या क्या आहार लेना चाहिए अगर किसी को वात दोष की समस्या है, यानी अगर किसी को वात दोष इम्बैलेंस हो गया है और उसको ये नहीं पता कि उसे क्या खाना चाहिए, तो इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है। जी हाँ, इन तीनों दोषों में से वात दोष एक ऐसा दोष है जो कि पित्त और कफ इन दोनों को भी कार्य करने में शक्ति प्रदान करता है। यानी वात का मतलब है कि गति करवाना। हमारी बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, यानी मूवमेंट का जो कार्य होता है, वो सारा वात ही करता है। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो या फिर धातुओं का आपकी बॉडी में मूवमेंट या फिर आपकी बॉडी में जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो सारा वात ही करवाती है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ मैं आपको एक श्लोक के जरिए समझाना चाहूँगी, तो फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पितम पंगु कफा पगु पंगवो मल धातवः वायुना यत्र नियन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवता। अर्थात पित्त, कफ, मल तथा धातु ये सब स्वयं पंगु हैं। पंगु अर्थात स्वयं गति या फिर कर्म करने में असमर्थ हैं, तो वायु ही इन्हें गति यानी कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट है वो वात के कारण ही है, तो इसीलिए धातु या फिर मल या फिर पित्त और कफ इन सबको पंगु कहा जाता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अपना कार्य है वो खुद नहीं कर पाती, ये जो मूवमेंट जो इनका कार्य है वो सिर्फ वात के जरिए ही कर पाती हैं। वात इनकी हेल्प करता है, इसकी वजह से ही ये मूवमेंट करने में सक्षम हो पाती हैं। तो आप पूछेंगे कि वात रोग के कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण की बात करूँ तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि पूरे दिन खाते रहना या फिर ऐसी चीज़ें खाना जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, या फिर अपने जो डाइट है उसको अच्छे से फॉलो नहीं करना, जो उनका रूटीन है उसमें अच्छे से उनको व्यायाम नहीं करना, पूरे दिन लेटे रहना, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा समस्या हो जाती है इसकी। और इसके लक्षण की बात करूँ तो जैसे आपको अगर हमेशा जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया या फिर सूजन रहती है जोड़ों में, खाना अच्छे से नहीं पचता, ढकार आती है बहुत ज़्यादा, तो ये सारे लक्षण वात रोग के ही हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं। तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपको वात रोग है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति बहुत ही जानी मानी चिकित्सा पद्धति है। वात रोग की समस्या को ठीक करने के लिए बस्ती सबसे उत्तम मानी जाती है। तो अगर आपको किसी भी वात रोग की समस्या है और आपको लगता है कि आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपके लक्षणों से मिलते हैं तो आप बस्ती करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और विशेष बात बताऊंगी कि ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है कि जैसे अगर कोई भी समस्या हो रही है आपको, वो पित्त से संबंधित हो, कफ से संबंधित हो, तो जो उसकी शुरुआत होती है वो वात रोग से ही होती है। जैसा कि मैंने श्लोक से भी आपको बताया कि जो पित्त और कफ हैं और इसके साथ ही साथ मल और धातु हैं, ये सारे मूवमेंट जो करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो वात दोष की वजह से ही करते हैं। तो इसीलिए वात को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके घर है तो घर में जो हमारी सेंटर होती हैं वो हमारी मदर होती हैं, तो अगर वो बीमार हो जाती हैं तो जो घर के और मेंबर्स होते हैं उन्हें भी थोड़ा हेल्पलेस सी फील होती है, वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो उसी प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि जो वात है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर वात में कुछ भी असंतुलन हो गया तो फिर पित्त और कफ वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी बॉडी में वात इम्बैलेंस हो गया है तो पित्त और कफ के भी इम्बैलेंसेस होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको जैसे वात रोग है तो आपको सिर्फ वात रोग को ही ठीक करना है। आपकी बॉडी में त्रिदोष हैं तो तीनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है।
इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए आप अपने डाइट पे यानी अपने आहार पे और अपने विहार यानी जो आपका रूटीन है आप उन दोनों को अच्छे से फॉलो कीजिए। और आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है या फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना है या फिर आपको पंचकर्म करवाना है, पंचकर्म तो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है यानी टॉक्सिन फ्री हो जाती है, तो वो आप करवा सकते हैं। इससे आपके जो तीनों दोष हैं उनको बैलेंस रखने में, उनको संतुलित रखने में बहुत हद तक आपको सहायता मिलती है और आप खुद को हमेशा युवा भी रख सकते हैं पंचकर्म की सहायता से। तो फिर अगर आपको कोई भी समस्या है और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारे चिकित्सक आपको स्वयं कॉल करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि समस्या कोई भी हो आप उसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आगे चल के वो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। तो अगर जो मैंने आपको लक्षण बताए कि वात रोग में ये लक्षण आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये लक्षण हैं तो फिर आप उसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आगे जाके ऐसा हो सकता है कि अभी वात का असंतुलन है तो बाद में पित्त और कफ का भी असंतुलन हो जाए तो फिर वो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। तो तीनों दोषों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वात का इम्बैलेंस है तो पित्त और कफ भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा खुद को स्वस्थ रखने में अपनी मदद कीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।